brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो उस दिन में ये बात बोल रहा था बद्धू चिंतन ने, मम्मा उन्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करी थी हरियाणा की जनता ने, ठीक, तो वो बीजेपी की जाके गोदी में बैठ गया, सब ने एकजुट होकर वोट दे दिए बीजेपी के खिलाफ, युवा हो या वो किसान हो कोई भी हो, सब ने बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिए, इसने झूठ बोल गए लोगों पर वोट लेकर, अरे उन्हें का जगह है। कौन सी पार्टी को बेहतर मानते हैं, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आपके कैसे देखते हैं इन पार्टियों को? तो फिर बीजेपी ने दोबारा नया सीएम घोषित कर दिया, करें जाओ बीजेपी का सुपड़ा साहब भाई कल हरियाणा में, जो इनकी युवा गल करे नहीं बिल्ला पकौड़े बेचो, पकौड़े ही बेचो, उन पर नेता जो बैठे हैं भाई। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार हरियाणा के गांवों में दौरा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बरवाला में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया था, इसी दौरान जाम लग गया था और वहां जो ये युवक है सुखदीप, इन्होंने अपनी बात वहां डिप्टी सीएम के पास रखनी चाहिए थी। तो सबसे पहले सुखदीप से ये जानते हैं कि उस दिन जब जाम लगा था और उस दिन आप डिप्टी सीएम के समक्ष अपनी बात क्या रखना चाह रहे थे? भाई उस दिन मैं घरां जा रहा था, रास्ते मोड़ जाम लग रहा था, गाड़ी जाम में फंस रही थी, तेज बोलो। तो भाई मैं बात यह रखना चाहूँगा, डिप्टी सीएम तो 5 साल में भाई उधर टक रहा था, मनो कोई गांव में मिलता नहीं, किसी तरह मिलता वोट लेने के बाद कोसा भी राजनेता हो। तो उस दिन मैं ये बात बोल रहा था बद्धू चिंतन ने, मम्मा उन्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करी थी हरियाणा की जनता ने, ठीक, तो वो बीजेपी की जाके गोदी में बैठ गया, तो ये पूछा थे भाई मतलब आपने धोखा दिया है जनता लग, विश्वासघात कर भाई जिसने मतलब गाँव में भाईचारे खराब करके सब ने एकजुट होकर वोट दे दिए बीजेपी के खिलाफ, युवा हो या वो किसान हो कोई भी हो, सब ने बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिए, इसने झूठ बोल गए लोगों पर वोट लेकर, अरे उन्हें का जगह है गोदी में बैठ गया भाई, यो बहुत गलत काम करे इसने दुष्यंत ने। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ये दावा करते थे युवाओं के लिए हमने नौकरी दी बिना खर्ची पर्ची के, उनका विकास किया, युवाओं के लिए रोजगार देने का भी काम किया, जेजेपी बीजेपी गठन, प्राइवेट नौकरियां भी दी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बार सेंटर में जाओ बड़का ने पूछो भाई किसने के कराया, एक 5 साल में सबसे कीमत है भाई टाइम की बच्चों को, 5 साल में कितने बच्चों का भविष्य भाई अंधकार में चला गया, उम्र लग गई 5 साल में 18,000 से पड़ा सी लगे तीर कुंद मेरे भाई, इंदी को टैक्स दियो या जनता नौकरी मांगने का अक्स है अपना, PhD करे बालक भाई चपड़ा सी लगने लग रही हाजिर है, ये अनपढ़ ये मंत्री बन का अपना जो एक अपने वीडियो देखी थी कोई बीजेपी का था मंत्री IPS अपनी महिला अधिकारी ने, अनपढ़ नेता धमकाओ भाई सब, ये मतलब के ही है इतने पढ़े लिखे ऑफिसर, आप ये देखो भाई एक सोच बदलनी पड़ेगी भाई सब ने अपनी सोच, क्या मेरा बाइक का चलाना कट गया 10,000 का, मैं पुलिस ने गाल बकूँगा न कहूँगा भाई पुलिस ने लूट लिया मेरा 10,000 का चलाना कट गया, सोच बदलो पुलिस वाले भाई आएंगे तो ड्यूटी है उनका काम करना, या लूटन कौन लग रहा अपन। अच्छा ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं, क्या आपने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, नौकरी मिली? ना भाई मैंने तो कौन अप्लाई करा, मैं करूँ भाई खेती, ठीक है पढ़नी है लिखनी है बालकान पूछो भाई, समय तो नको भाई सवाल पूछो इनती किसी भी पार्टी का नेता हो कोई हो सवाल पूछो ही अपने आप भाग जाएंगे भाई। तो आप कौन सी पार्टी को बेहतर मानते हैं, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आपके कैसे देखते हैं इन पार्टियों को? देखो भाई ये सारे के थाली के चट्टे बटे हैं, फिर भी भाई हर 5 साल बदलाव होना चाहिए जरूर, एक आदमी लग दे जाऊँ ये अपने लठ मारो, इनती सरपंच का लठ मारे, इनती किसाना का लठ मारे भाई, ठीक, इनती डॉक्टर का लठ मारे, इनती युवा का लठ मारे, इनती छोड़िया कौन है, इनका तो घमंड हो गया भाई, जनता का लकी में करो जितने तामे हो, या अपन सोचनी पड़ेगी भाई सरकार खोट नहीं इस बात में, इसमें अपना जनता का खोट भाई सबका, आप इनती गद्दी पर बिठाए रखा, ये अग्निवीर योजना दिख लो भाई बालका के तम भविष्य खराब कराया, ये तो 90 साल का MLA बनेंगे, एक युवा देश का जो सच्चा देशभक्त है जो अपने उनती पूछ के देखो ना भाई जिसके बालक शहीद हुए हैं उनके एक एक किसी का लड़का या कोई बेटा हुआ है ना कोई मामी से ने भी फौज में कर लाँगे, जो सच्चे रियलिटी में जो भाई देश की सेवा करें वह तो 4 साल, जो ये कुर्ते पजामे पहन के देश ने लुटाएं ये सारी उम्र। अब जैसे वर्तमान में JJP BJP अलग हुए हैं, अब JJP से काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जाऊँगे भाई सारे जाऊँगे, ये तो बेसंग नहीं आ रही इतनी कड़ी नहीं, फाका नहीं मिलता वोटा भाई, 5 साल यो
सात पीढ़ी की जड़ गैडिया रिव्यू तड़कन सोचा कि जनता ने अटका बोला बनाऊंगा मैं न्यार होगा फिर वोट मांगूंगा। तो यूं तो फिर बीजेपी ने दोबारा नया सीएम घोषित कर दिया। करें जाओ बीजेपी का सुपड़ा साहब है कल हरियाणा में जो इनती युवा गल करे नहीं बिल्ला पकौड़े बेचो पकौड़े ही बेचो उन पढ़े नेता जो बैठे हैं भाई युवा पकौड़े बेचेंगे इनती अब की बार मतलब भाई लोगों के यहाँ खुल गई हैं जनता का मतलब ये जात पात और धर्म की राजनीति खंड जाना है विकास का नाम पर इन पर कुछ नहीं इन पर सिर्फ बात बात थी वो विकास जमे को नहीं बिलेगी इनका ना इनका जमदा जम जुंदी खुद ना उनका जो सीएम अपने भाई जो मोदी है और जो अपना खट्टर है इनके खुद ही वो सागर को बढ़ने के विकास करेंगे देश का ही। अब जैसे किसानों का किसान जो विरोध करते हैं बीजेपी के प्रत्याशियों का और लगातार आंदोलन भी हुए तो कैसे देखते हैं आप इसको? विरोध करना भाई सबका अधिकार है कोई भी कृषक का भाई विरोध करेंगे दूर क्यों बात है किसान था भाई क्यों विरोध होगा लोगों में बैठो जुकर वोट लेने तब इलेक्शन जीतने का पहले पब्लिक के बीच में रोनी ये इलेक्शन जीतने पाछ कोसी पार्टी का नेता हो नू पब्लिक के बीच में रहो कोई विरोध नहीं होगा भाई किसी का अपना हरियाणा भी तरक्की करेगा अपना देश भी तरक्की करेगा। इलेक्शन जीत दें बीस बीस गाड़ियाँ तेल फूको रोज काफिले आपने देखे हैं कितनी अंडा सारी जनता देखा है बंदूक खड़े घूमले क्या था भाई जनता मतलब आतंकवादी हो जाए वोट लेंदे वोट गिड़न तो पहले जनता ने कि भाई बेटे बाबू लकड़ दे तैयार हैं जनता ने वोट लेने के बाद ये अपना भर के भाई थी दुश्मन दिखे हैं के सोच पड़े रखे भैया इस देश में बहुत गलत है भैया। तो आप क्या देखते हैं कि वर्तमान में जो हरियाणा की दशा और दिशा है किस तरीके से सुधार होनी चाहिए और क्या क्या मतलब ज़रूरतें हैं लोगों की युवाओं की वो पूरी करनी चाहिए? सुधार देखो भाई पहली बात तो युवा इन बड़का ने नौकरी दियो जो छाना अपनी बहन बेटियां ने कितनी मुश्किल तक टेम मिले सब ने बेरा भाई हर घर की कहानी है बाकी से बेरा नहीं हो इनकी मतलब किसी ने नू शादी खाते रुकरी बेचारी अगर कि ब्याह कराए भाई एक साल का टाइम दी दो हाथ पैर जुड़ जुड़ के बच्चे टाइम मंगे माँ बाप पढ़ाई खातर और आपने बेरा अपने हरियाणा की क्या हालत है किसान मजदूर कितनी मेहनत पैसे इकट्ठे करके बच्चे ने सेंटर में पढ़ाने लग रहे हैं और उनके पेपर नहीं लग रही ओनर 10 साल में एक 18,000 से पटासी लिए युवा का काम करो भाई ये सरकारी चीज़ ना बेचो प्राइवेट लग रही हर चीज़ ना करना भाई रेल बेच दी हवाई अड्डा बेच दिया लाल किला बेच दिया सब कुछ बेचने लग रहे भाई टैक्स आप ही दें भाई जनता टैक्स दे है ये क्यों प्राइवेट बनाने लग रही सब कुछ सरकारी नौकरी दो बड़का ने जिसका लायक है पेपर दो वैकेंसी काटो भाई जी हरियाणा कर देश का भला भाई। आप ये बताएं कि अगर विकास की बात की जाए आपका जो गांव है कौन सा गांव है क्या क्या विकास की जरूरत है और क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ आप बताएं। देखो भाई मेरा गांव में 21 नेशनल मेडल हैं छोटी बात कुन भाई आज लग मेरा गांव में कोई स्टेडियम की सुविधा कुन भाई एक किसान है रैमर पुनिया भाई उसने अपनी निजी ज़मीन में तो 4 किले बच्चों ग्राउंड खातर छोड़ गए हैं सरकार का कोई सहयोग नहीं 21 नेशनल मेडल भाई कहनी छोटी बात लागे कोई आया के देखो जी मेरा पट है उन बच्चों की आज लगी इनाम की राशि जो सरकार की तरफ से चेक दी थी आज लग मुँह को नहीं आई जो बच्चे अपने देश खातर मेडल यान खातर अपना सब कुछ छोड़ के अपना गेम पर ध्यान दें कोई मतलब इस सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं युवा बालक ने या वो खिलाड़ी हो या वो किसान हो कोई भी हो भाई इनकी सिर्फ खुद का मतलब खुद की गोजी बनता मतलब है कोई किसी चीज़ का नहीं ध्यान नहीं इनका भैया बालक से मेडल जाऊँगा तड़का पूरी दुनिया में इनका अपना भारत देश का नाम करेंगे तो ये लक्षण भाई आज अलग मेरा इतना बड़ा काम है एक स्टेडियम को दिया भाई और फुल वोटा दे जीता दुष्यंत